संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर जिला एवं महानगर कांग्रेस के तत्वावधान में रविवार को अंबेडकर चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने सामाजिक समरसता, दलित शिक्षा एवं दलितों को सामाजिक सम्मान एवं बराबरी का अधिकार दिलाने में उनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता। समाज के उपेक्षित वंचित वर्ग के लोग को उन्हें बराबरी तो दिलाया ही वरन उन्हें संविधान में हक भी दिलाया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, सम्मान से जीने एवं अधिकारों से लड़ने में साहस प्रदान करता है। कार्यक्रम में डॉक्टर राजेश यादव, महेंद्र नाथ मिश्रा, उषा श्रीवास्तव, अमित कन्नौजिया, मनीष कुमार गौतम, नवीन कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरव पुन्नी से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, निर्मला पासवान जिलाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी गोरखपुर। आज बाबा साहब भारत रत्न का महान दिवस है और बाबा साहब के इस दिवस को हम भुला नहीं सकते हैं। भारत रत्न बाबा साहब ने जो कुछ हमारे संविधान को करके दिया वो बहुत ही ऐतिहासिक है। बाबा साहब के एक नगमे से याद आता है कि बाबा साहब की इस कहानी में, बाबा भीम की कहानी में, दिल के हृदय से और आंखों से बहता है पानी। मैं बाबा साहब को श्रद्धा सुमन करती हूँ महापति दिवस के दिन पर।